फ्रेंड्स, हम सीआरपीसी के चैप्टर 9 पर बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की कि अगर सेक्शन 125(1) में मूल कार्रवाई करते हुए कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर जारी कर देती है तो फिर उसकी वसूली के लिए क्या प्रोसीजर हम अपनाएंगे। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है ये सेक्शन 125 की उपधारा 3 में दी हुई है और इसको हम कहते हैं 125(3) की कार्रवाई। 125(3) जो कोर्ट्स में आम बोलचाल की भाषा है उसमें भी हम इसी तरह बात करते हैं 125(3) की प्रोसीडिंग। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही ऐसे कॉमन रहती है, या उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बोलते हैं, या फिर कोई भी कोर्ट में आता है और किसी फाइल के बारे में पूछताछ करता है कि आज मेरी इस फाइल, ये फाइल मेरी लगी हुई है, इसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी, तो वो सीधे ही आके एडवोकेट या पार्टी जैसे बोलते हैं हमारी 125(3) की कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन शब्द है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो मेंटेनेंस की वसूली होती है ये कैसे होती है। इससे पहले हम एक बार सेक्शन 125 की उपधारा 2 को देख लेते हैं। ये जो उपधारा 2 है ये हमको बताती है कि मेंटेनेंस कब से दिया जाएगा, यानी जब धारा 125(2) जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मेंटेनेंस की कार्रवाई हमारे समक्ष चल रही है 125 की उपधारा 1 के तहत हमने मूल कार्रवाई कोर्ट में पेश की है, तो ये कोर्ट जब इसका ऑर्डर करेगी या इंटरिम का ऑर्डर करेगी तो किस दिनांक से करेगी। तो ये उपधारा जो 2 है, सबसेक्शन 2 है, इसमें 2 बातें कही गई हैं कि या तो कोर्ट ये कर सकती है कि जिस दिन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की जाए, यानी जिस दिन हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की है, या तो हम उस दिन से वो ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर जो ऑर्डर हम जिस तारीख को कर रहे हैं, डेट ऑफ ऑर्डर से भी हम ये कर सकते हैं कि हम किस दिनांक से दिलाएंगे। तो अब ये दोनों ऑप्शन, इस ये जो सबसेक्शन 2 है इसमें ये दोनों ऑप्शन दे दिए कि या तो आप एप्लीकेशन की डेट से दिला दीजिए या फिर ऑर्डर की डेट से दिला दीजिए। अब प्रैक्टिकली जब हम इसको करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में से हम कौन सा ऑप्शन अपनाएं। तो फिर इसका जवाब ये है कि ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड है, मजिस्ट्रेट की जो न्यायिक इच्छा है, डिस्क्रिशन मर्जी नहीं चलेगी, एक विम्सिकल ऑर्डर नहीं चलेगा कि किसी में तो हम एप्लीकेशन की डेट से दिला रहे हैं और बिना सोचे समझे, और किसी में हम उसके ऑर्डर की डेट से दिला रहे हैं। ये कोर्ट को अपना एक डिस्क्रिशन देखना पड़ेगा और ये डिस्क्रिशन जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से कोर्ट इस पर विचार करता है और ये केस टू केस वेरी कर सकता है। इसमें ऐसा मजिस्ट्रेट पर ऐसा कोई प्रेशर अपनाया नहीं जा सकता कि वो हर मामले में या तो ऑर्डर की तारीख से ही देगा, मेंटेनेंस दिलाएगा, या ये भी नहीं कर सकते कि एप्लीकेशन की डेट से ही वो हर मामले में दिलवाए। ये कोर्ट को अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ रेगुलेशन ऐसे बनाने पड़ेंगे और वो जो भी कोर्ट में ऐसे इस तरह के केसेस आ रहे हैं, 125 सीआरपीसी की कार्रवाई आ रही है, तो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के आधार पर इसको डिसाइड कर सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी सबसेक्शन 2 की, जो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अगर मेंटेनेंस दिलाने के नतीजे पर पहुंचता है, ऑर्डर करता है, तो वो किस दिनांक से दिलवाएगा। अब ऐसा डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है कि जैसे कोर्ट में 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आ गई तो वो एक दिन में तो वो डिसाइड नहीं होगी, निश्चित रूप से उसमें 6 महीने साल भर का वक्त लग सकता है क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी पहले से मुकदमे हो रखे होते हैं। अब जैसे एक आदमी या एक लेडीज आज अपना मुकदमा लेके आती है 125 सीआरपीसी का, उसने आज केस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया, अब वो ये सोचे कि आज की आज या 10 दिन में 15 दिन में उसका मुकदमा डिसाइड हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं होता है क्योंकि कोर्ट की अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोर्ट को बहुत सारे जो पक्षकार होते हैं, कई सारे पक्षकार, जैसे मान लो अप्लीकेंट है, नॉन अप्लीकेंट है, उनके एडवोकेट्स हैं, वो सब जब कोर्ट में आएंगे तब सुनवाई हो पाएगी क्योंकि न्यायाधीश अकेला तो है नहीं कि वो तुरंत एप्लीकेशन आई और उसको डिसाइड कर दे, ये सारी पक्षकारों की उपस्थिति जब कोर्ट में होगी तब कोर्ट उस पर ऑर्डर कर पाएगी, और कोर्ट में जो ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं तो उनको भी कोर्ट को देखना पड़ेगा,
तो इसलिए थोड़ा बहुत डिले जो है इसमें लग जाता है। इसको हम डिले नहीं करेंगे, इसको एक हर केस का एक लिमिट टाइम होता है। आप हथेली में सरसों नहीं उगा सकते कि आज की आज आया और आज की आज सरसों उग गई, उसमें भी 3-4 महीने 5 महीने का एक प्रोसीजर लगता है। तो वो कोर्ट को भी हमको ये समझना चाहिए कि इसका भी एक अपना सेट प्रोसीजर होता है और उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ये तो हमारी बात होगी सेक्शन 125 की उपधारा 2 की। अब जो हमारी जो मेन प्रोसीडिंग है वो आती है हमारी, ये जो है सेक्शन 125(3) की कार्रवाई, जिसको हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। क्योंकि सिर्फ मेंटेनेंस का कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ऑर्डर की जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती, जब तक वो मेंटेनेंस वसूल होकर पार्टी के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं होता है। और ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, इसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन उस पार्टी को, उस एप्लीकेंट को, उस पक्षकार को कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी, जो कि 125 सीआरपीसी में या तो क्या होता है बीच में ही एंट्री मेंटेनेंस मिल गया, तो इंटरिम मेंटेनेंस की भी अगर वसूली करनी है तो वो अलग से प्रार्थना पत्र उसको दाखिल करना पड़ेगा, जिसको हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जो मूल हमारी 125 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन लगी हुई है उसी में कोर्ट ऑर्डर कर देगा। कोर्ट वहां ऑर्डर करता है, लेकिन सिर्फ ये करता है कि इसका इतना रुपया जो है मंथली इसको मेंटेनेंस दिया जाए, सिर्फ मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करता है। लेकिन अगर कोई पार्टी कोर्ट के उस आदेश के अनुरूप मेंटेनेंस नहीं देती है तुरंत के तुरंत, तो फिर कोर्ट को तो उपाय देखने पड़ेंगे ना कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्योंकि सारे पक्षकार एक जैसे नहीं होते। और जब खासतौर से जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में तनातनी हो जाती है और उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो पति ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मुकदमा कितना ही लंबा लड़ना पड़े, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ये उनकी थिंकिंग होती है। तो ऐसी थिंकिंग के मद्देनजर वो मेंटेनेंस नहीं देते, तो फिर कोर्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दाखिल करना ही उस एप्लीकेंट पक्षकार के लिए जरूरी हो जाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अलग से कोर्ट में आएगी और फिर अलग से दर्ज हो जाएगी। अब इसका टाइम लिमिटेशन क्या है, यहाँ इस 125(3) में ही यहाँ ये नीचे प्रोविजन के अंदर दिया हुआ है कि इसका जो लिमिटेशन है वो ऑर्डर से 1 वर्ष होगा। यानी ये ध्यान रखना चाहिए पक्षकारों को कि जिस दिन इंटरिम का ऑर्डर हो गया या 125 सीआरपीसी में ऑर्डर हो गया है, या तो वो पूरी की पूरी प्रोसीजर ही खत्म हो चुकी है और ऑर्डर फाइनल हो गया है, या फिर कोर्ट इंटरिम का ऑर्डर कर दे, तो फिर उस ऑर्डर से कितने दिन में हम ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 साल के भीतर भीतर ये दाखिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल के भीतर ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दाखिल नहीं होती है, तो फिर वो जो एप्लीकेंट पक्षकार है वो मेंटेनेंस की विपक्षी पक्षकार से वसूली नहीं कर पाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका लिमिटेशन हमारे पास 1 वर्ष है। अब यहां कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि पर्याप्त कारण के बिना वो व्यक्ति वसूल अपना मेंटेनेंस वसूल नहीं कर पा रहा है, दूसरी जो विपक्षी पार्टी है वो बिना पर्याप्त कारण के मेंटेनेंस देने से, या तो उसकी ऐसी पोजीशन हो कि वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, तो वो कोर्ट को आकर एक एप्लीकेशन दे दे कि मैं इस कारण से अभी ये जो मेंटेनेंस कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब वो बिना पर्याप्त कारण के, ना तो वो ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करता है और बिना पर्याप्त कारण के उस ऑर्डर की पालना भी नहीं करता है, तो फिर जो एप्लीकेंट पक्षकार है, जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग ला रहा है, उसको कोर्ट में आकर ये बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने, विपक्षी पक्षकार ने अभी तक मुझे मेंटेनेंस दिया नहीं है, एक्चुअल में मेंटेनेंस नहीं दिया है। तो और उसमें ये भी बताएगा कि उसने बिना पर्याप्त कारण के नहीं दिया है, मतलब ऐसा कोई सफिशियंट रीजन नहीं है उस विपक्षी पक्षकार के पास कि वो इस ऑर्डर की पालना क्यों नहीं करे, तो कोई सफिशियंट रीजन नहीं है फिर भी नहीं दे रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा,
कोर्ट ऐसी स्थिति में उसका वारंट जारी कर सकता है। ये धारा 125(3) में इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की कार्रवाई में दिया हुआ है। और ये वारंट किस तरह का होगा, इसका क्या नाम होगा, इसको कुछ लोग हम लोग वसूली वारंट बोल देते हैं, कई बार इसको कुर्की वारंट बोल दिया जाता है, अटैचमेंट वारंट, ठीक है। और इसकी जो वसूली प्रक्रिया है वो धारा 421 सीआरपीसी के अनुसार होती है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस तरह कोई भी मजिस्ट्रेट किसी फाइन को वसूल करता है, क्योंकि जब हम निर्णय सुनाते हैं किसी भी क्रिमिनल मैटर में और सजा देते हैं, तो सजा के साथ बहुत सारी धाराओं में फाइन का भी कोर्ट ऑर्डर करती है, तो उस फाइन की वसूली कोर्ट कैसे कराते हैं, तो वो ही जो प्रक्रिया है जो उस फाइन को वसूल करने में कोर्ट करवाते हैं, वो ही प्रक्रिया यहाँ भी इसमें अपनाई जाएगी। तो ये धारा 421 की प्रक्रिया है। तो ये 421 की प्रक्रिया हम कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि इसमें चल संपत्ति की कुर्की और सेल का वारंट जारी करते हैं, यानी ये चल उसकी जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे कोई फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, उसके घर की टेबल कुर्सी डबल बेड, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है, और दूसरी होती है अचल संपत्तियां इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकती, जैसे घर हो गया, जमीन हो गई, कोई प्लॉट है, तो प्लॉट को एक स्थान से दूसरे स्थान से उठाकर हम नहीं ला सकते, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो सबसे पहले कोर्ट जो है इसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टियां हैं, जो चल संपत्तियां हैं, उनको अटैच करने के लिए वारंट जारी करेगा। और वारंट जारी करेगा और उस संपत्ति को अटैच कर लेगा। अटैच करने के बाद कोर्ट क्या करेगी कि उस संपत्ति को बेच देगी। अगर वो फिर भी कोर्ट में नहीं आता है और वो ये कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा ये पैसा, तो फिर कोर्ट उसका ये संपत्ति अटैच कर लेती है। कोर्ट ये भी कर सकती है कि उसकी ये अगर उसके पास कोई चल संपत्ति नहीं है, कई बार बहुत लोग ऐसे गरीब होते हैं कि उनके पास कुछ होता ही नहीं खाने के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट उसकी उसके पास अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई खेती की जमीन है, तो कोर्ट फिर उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से वसूली के लिए वारंट जारी करेगी। और ये जो वारंट है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार जो रेवेन्यू की जो रेवेन्यू का जो पैसा है उसको सरकार जिस तरह वसूल करती है उस तरीके से ये वसूला जाएगा। यानी इसमें जो वारंट है वो कलेक्टर को भेजा जाता है और कलेक्टर को ये कहा जाता है कि आप इसमें इसकी जो ये लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, इससे हमको इसको वसूल करवा के दिलवाया जाए। तो उसकी जो उपज है ये वो हो सकती है, अटैच हो सकती है उसमें, या फिर उसकी जो खेती की जमीन है वो अटैच हो सकती है, और फिर उस अटैचमेंट की सेलिंग करके वो पैसा कलेक्टर जो है कोर्ट में जमा करवाता है। तो ये एक प्रोसीजर हो सकता है। तीसरा प्रोसीजर ये भी है कि इन दोनों तरीकों से भी नहीं हो, या कोर्ट बीच में ही ये माने कि ये संपत्तियों की अटैचमेंट से, संपत्तियों की कुर्की से वसूली नहीं हो पाएगी, तो फिर कोर्ट जो है जेल भेजने का भी आदेश कर सकती है, तो उसके उसका गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। और इसके लिए जो कुर्की वारंट है खास तौर से उसके नीचे ही लिख दिया जाता है कि अगर ये व्यक्ति पेमेंट नहीं करे और इसके पास कोई चल संपत्ति या चल संपत्ति नहीं पाई जाए, तो इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया जाए। तो फिर पुलिस उसको पेश कर देती है और फिर कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति पैसा नहीं जमा करवा रहा है, इसके पास कोई चल संपत्ति या चल संपत्ति नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको जेल भेज सकती है। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि कितने दिन के लिए उसको जेल भेजा जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास प्रोविजन है, एक माह का भंग अगर है, यानी एक महीने का उसने पैसा नहीं दिया है, मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो उसको एक महीने की जेल हो सकती है। यानी एक महीने का इंफ्रिंजमेंट, एक महीने का मेंटेनेंस नहीं देने का मतलब है एक महीने की जेल। तो जितने महीने वो नहीं देगा मेंटेनेंस, उतने महीने की ही उसको जेल उसकी आगे एक्सटेंड होती जाएगी। अब अगर वो बीच में पेमेंट कर देता है, मान लीजिए कोर्ट ने एक महीने का ऑर्डर कर दिया कि इसको ये इस पर्टिकुलर एक महीने के इंफ्रिंजमेंट के लिए एक महीने की जेल हम भेज रहे हैं, और उसने 15वें दिन ही उसका कोई करीबी रिश्तेदार कोर्ट में आता है और ये कहता है कि हम ये पेमेंट जमा कराने को तैयार हैं,
तो फिर 15 दिन वो जेल में रह लिया, अब पेमेंट जमा हो गया, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, अगले 15 दिनों के लिए उसको छोड़ देगी क्योंकि पेमेंट आ चुका है। तो ये हमारी आज की इसमें 125(3) CRPC की कार्रवाई है। अब एक और सवाल है हमारा कि कई बार पति जो है उसके पास पर्याप्त कारण होता है और पति ये कहता है कि मैं इसका मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये जो पत्नी है ये किन्हीं विशेष परिस्थितियां हैं मेरे साथ और इसलिए मैं ये पेमेंट नहीं करूंगा। तो वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, वो कौन से सफिशियंट रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर कोर्ट ने अगर एक बार 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का ऑर्डर कर भी दिया है तो भी कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो वो धारा 125 के प्रोविजन नंबर सब सेक्शन नंबर 4 में बताई गई है और सब सेक्शन नंबर 5 में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है। तो वो ये परिस्थितियां हैं कि पहला तो ये है कि अगर पत्नी अडल्ट्री की स्थिति में रह रही है, जारता की स्थिति में रह रही है, यानी उसके किसी और व्यक्ति से इलीगल अगर रिलेशन है तो फिर पति जो है मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है, या फिर पति के पास और कोई सफिशियंट कारण है, पत्नी का पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार, पत्नी उसको साथ रहने से इनकार कर देती है और पति कोर्ट में आकर ये साबित कर देता है कि पत्नी उसके साथ वो साथ रखने को तैयार है। पति कोर्ट में आकर ये कहता है कि मैं साथ रखने को तैयार हूं अगर पत्नी साथ चले तो, और पत्नी कहती है मुझे तो नहीं रहना। तो अगर पत्नी सफिशियंट रीजन बता देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सफिशियंट रीजन नहीं बता पाती पति से अलग रहने का या उसके साथ जाने से इनकार करने का तो फिर कोर्ट ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है। और तीसरा है अलग रहना यानी म्यूचुअल कंसेंट, अगर वो म्यूचुअली कंसेंटेड होके दोनों एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं, दोनों आपस में तय कर लेते हैं, एक तरह से एक एग्रीमेंट उनके बीच में हो जाता है कि हम दोनों आपसी रजामंदी से अलग अलग रहेंगे, तो फिर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कोर्ट के सामने तो भी कोर्ट अपने आदेश को रद्द कर सकता है धारा 125 के प्रोविजन 5 में, यानी उपधारा 5 में ये प्रोविजन दिया हुआ है। तो जैसे कोई क्वेश्चन भी एग्जाम्स में इस तरीके से आ सकता है कब मजिस्ट्रेट अपना मेंटेनेंस का ऑर्डर रद्द कर सकता है, तो इसका आपको 125(5) का जो उत्तर है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, साथ में आप इसको 125 की उपधारा 4 है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इन 4 सबसेक्शंस के बारे में था। अगर इसमें आपको कुछ भी और कोई क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उस पर भी आपके क्वेश्चंस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप लोगों को उनका उत्तर मिल सके। थैंक यू।